पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति में महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी कितना मौका दे रही है, राजद कितना मौका देगी, या फिर जो अलग अलग दल हैं वो कितना लोकसभा 2024 में उनको मौका दे रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। महिला आरक्षण बिल को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई थी। महिला आरक्षण बिल पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल तो पास कर दिया है, लेकिन अब इस पर मंथन जारी है कि क्या कुछ हो सकता है। महिलाओं के हित के बारे में सोचने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में महिलाओं पर क्या फोकस ज़्यादा रखी है, या फिर महिलाओं को मौका नहीं दी। देखिए, बिहार में NDA गठबंधन में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इन 17 सीटों में महिलाओं को कितना टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, महिलाओं की अगर बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार किसी को भी मौका नहीं मिला है। इतना ही नहीं, अगर बातचीत करें NDA गठबंधन की, तो NDA गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी ने 2 महिला उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने की इजाज़त और मौका जो है वो दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाएं जहां NDA गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी में 2 हैं, तो अन्य जो गठबंधन है, महागठबंधन या फिर महागठबंधन के अलावा निर्दलीय की बातचीत की जाए, तो वो महिलाएं कितना ताकतवर हैं, कितना अपना चर्चा कर सकती हैं? और अगर जदयू की बातचीत की जाए तो जदयू में भी एक महिला को मौका दिया गया है। इसके अलावा एक और महिला है जिनको बड़ा मौका जदयू के तरफ से दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग जो उनके घटक दल हैं उन्होंने महिलाओं को इस बार मौका दिया है। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाएं कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्या ये महिलाएं बिहार की राजनीति के लिए मायने रखती हैं या फिर नहीं रखती हैं। एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि कौन महिलाएं कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं। सबसे पहले लवली आनंद की चर्चा करते हैं। लवली आनंद राजपूत समाज से आती हैं। इनको इस बार शिवहर से टिकट मिला है। जदयू के सिंबल पर ये चुनाव लड़ती हुई दिखेंगी। शिवहर में आप सबको पता है कि रमा देवी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार जो सांसद थी, उनको जिताने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। यानी कि सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट काटकर लवली आनंद को, चूँकि जो आनंद मोहन हैं उनके जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर के नीतीश कुमार ने जो उनको रिहाई कराई, तब से ये चर्चाएं चल रही थी कि या तो आनंद मोहन या फिर उनके परिवार के कोई भी सदस्य के लोग वहां पर लड़ सकते हैं। चूँकि आनंद मोहन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, इस वजह से उनकी पत्नी लवली आनंद को बड़ा मौका दिया गया है। आप सबको पता है कि आनंद मोहन का पूरा परिवार अब महागठबंधन को छोड़ के NDA गठबंधन की तरफ आ चुका है। उनके बेटे जो शिवहर से विधायक भी थे राजद कोटे से, उन्होंने अचानक पाला बदल लिया और अब NDA गठबंधन के तरफ वो आ चुके हैं। तो लवली आनंद को शिवहर में बड़ा मौका दिया गया है। राजपूत समाज से आती हैं। एक बड़ा बेल्ट शिवहर में राजपूतों का है। हालांकि राजपूतों का असली नेता कौन है, इस बारे में अभी तक माथापच्ची जारी है। NDA गठबंधन दल के अंदर ही कई ऐसे राजपूत समाज के नेता हैं जिनके अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि राजपूत समाज से आने वाले कई नेता, उनकी बल कितनी है, राजपूतों के आवाज़ कौन उठा पाता है, तो ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन लवली आनंद एक बड़ी राजनीति घराने की महिला है। ये पूर्व में सांसदी का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, इस बार शिवहर से इनको मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बातचीत करें वीणा देवी की, तो ये LJP वैशाली से आती हैं और LJP से इनको मौका मिला है। ये LJP से वैशाली में पूर्व में भी सांसद रह चुकी हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से वो अलग, जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनके पार्टी से ये चुनाव लड़ी थी पिछली दफ़ा और उनको एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन चूंकि अब पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला है, एन वक्त रहते समय भापते हुए वीणा देवी ने अचानक से पाला बदल लिया, चिराग पासवान के साथ आ गई। देखिए, जब चिराग पासवान की पार्टी और परिवार टूट रहा था, तो कई लोग जो चिराग पासवान के साथ थे, रामविलास पासवान के समय से वो साथ थे, लेकिन अचानक से उन्होंने साथ छोड़ दिया, वो चले गए पशुपति पारस के साथ। तो चिराग पासवान की नाराज़गी वैसे सांसदों पर सबसे ज़्यादा बड़ी रही। चर्चाएं चल रही थी वीणा देवी को लेकर कि चिराग पासवान उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, इनका टिकट काट भी सकते हैं। लेकिन अंततः ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पैरवी की वजह से वीणा देवी का टिकट बच गया और वो फिर से LJP की तरफ से एक बार फिर उनको टिकट मिला है। तो वैशाली में वीणा देवी की एक बड़ी पकड़ है, उनके पति की एक बड़ी पकड़ है। तो ये सीट वीणा देवी के खाते में इस बार गया है। अब देखते हैं 4 जून को क्या एक बार फिर से वहाँ के सांसद के रूप में वीणा देवी दिखेंगे या फिर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है।
तीसरे नंबर पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू से सिवान से उम्मीदवार हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उमेश कुशवाहा और उनको एक बड़ा मौका जो है पैच। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एनडीए गठबंधन के तरफ से जदयू ने अपने पाले में शामिल करा लिया और उनकी पत्नी को विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान में मौका दे दिया एनडीए गठबंधन से। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जीरादेई में पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, कई बार सिवान सदर से वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब चूंकि ये महिलाओं का एक क्षेत्र है, क्योंकि पूर्व में कविता सिंह जो जदयू के सांसद थी उनको मौका दिया गया था और इनके प्रतिद्वंदी के रूप में हेना साहब आ सकती हैं, तो कुशवाहा को कहीं ना कहीं जिताने के लिए सिवान का टिकट जो है वो दिया गया है। हालांकि यहाँ के अगर राजनीतिक समीकरण की बातचीत की जाए तो MY समीकरण के साथ स्वर्ण बाहुली ये क्षेत्र है और कुशवाहा समाज का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। चूँकि अब कुशवाहा समाज के कई नेता जो हैं वो इन दिनों आ चुके हैं, सम्राट चौधरी के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहती है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिवान की जनता का भरोसा जीत सकती हैं या फिर कोई और मौका का फ़ायदा उठा ले जाएगा, ये तो आने वाला 4 तारीख का वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं सांभवी चौधरी की। यह दलित समाज से आती हैं और भूमिहार परिवार में इनकी शादी हुई है। LJP की तरफ से समस्तीपुर में इस बार इनको मौका दिया गया है। NDA गठबंधन के तरफ से सांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और बिहार में एक बड़े भूमिहार परिवार जो किशोर कुणाल हैं, महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के संस्थापक भी हैं, उनके परिवार, उनके बेटे शायन किशोर से इनकी शादी हुई है। तो समस्तीपुर में जहां एक तरफ ये रिजर्व सीट है तो यहां पर जो स्वर्ण बाहुल जो वोटर हैं उनको अपने तरफ रिझाने के लिए कहीं ना कहीं सांभवी चौधरी को एक बड़ा मौका दिया गया है जिताने के लिए। इनके पिता जदयू के एक मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, तो ये सीट पर कहीं ना कहीं जदयू पूरी तरीके से फील्डिंग में लग चुकी है। तो सांभवी चौधरी वहाँ से अब आने वाला 4 तारीख का वक्त बताएगा कि क्या कुछ बड़ा फैक्टर सांभवी चौधरी हो सकती हैं। 5वें नंबर पर आते हैं अर्चना रविदास, दलित समाज से आती हैं, राजद से जमुई से एक बड़ा मौका मिला है। देखिए मुकेश यादव जो राजद के कद्दावर नेता हैं वो राजद में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, पूर्व में कई चुनाव भी लड़ चुके हैं मुकेश यादव, तो उनके लिए तेजस्वी यादव ने कल ही देखा आपने कि VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी ले जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं दलित समाज का अति पिछड़ा तमाम समाज के वोटरों को रिझाने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। अर्चना रविदास को बड़ा मौका तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव ने दिया है। कितने बड़े फैक्टर होंगे, चूँकि चिराग पासवान के जीजा जो अरुण भारती हैं वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी भी वहाँ पर चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत बिहार में कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो राजद है अपने तरफ से एक महिला उम्मीदवार को वहाँ पर दलित समाज से उतारा है। बात करते हैं बीमा भारती की। बीमा भारती राजद से पूर्णिया में, जिस वक्त अभी हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया में, बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव हो चुका है यहाँ पर महागठबंधन के अंदर ही। अति पिछड़ा समाज से आती हैं बीमा भारती, रुपौली से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं जदयू की सीट से, तो एक अपने क्षेत्र में बड़ी पकड़ ये बीमा भारती रखती हैं। पप्पू यादव भी कई सालों से लगातार पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं, पूर्व में यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, तो पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच लड़ाई चल रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीमा भारती कितना बड़ा फैक्टर बनेंगी पप्पू यादव के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। अनीता महतो एक बड़े बड़े बहुत बड़े बाहुबली, बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि कई सजा काट के जो अशोक महतो हैं वो निकले हैं और उनको लालू प्रसाद यादव ने बड़ा भरोसा जताया उनकी पत्नी को। उनकी पत्नी का नाम है अनीता महतो, अति पिछड़ा समाज से आती हैं, मुंगेर की सीट पर वो इस बार उनको मौका दिया गया है। मुंगेर में ललन सिंह जो जदयू की तरफ से सांसद हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ललन सिंह के प्रति लोगों के बीच में कितनी नाराज़गी है, कितना प्यार जताते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपने क्षेत्र में ललन सिंह बड़ा पकड़ मजबूत रखते हैं, ये तो रिजल्ट डिसाइड करेगा क्या होता है। लेकिन अशोक महतो चूँकि बाहुबली हैं वो भी मुंगेर क्षेत्र से आते हैं, तो एक वो भी पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत अपना बनाए हुए हैं, यानी कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाली हो सकती है। अंत में आते हैं हेना साहब, मुस्लिम समाज से आती हैं, सिवान से आती हैं। हेना साहब को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं है राजद की तरफ से, हालांकि चर्चाएं समाप्त हो चुकी हैं। राजद की तरफ से टिकट भी ऑफर किया गया था हेना साहब को, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया है, तो अब ये तय हो चुका है कि राजद की तरफ से वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। रही बात
असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM की, तो इनके तरफ से चर्चाएं हो रही हैं। असदुद्दीन अवैसी के जो यहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने कहा है कि हेना साहब को हम मौका देंगे। हालांकि अगर हेना साहब AIMIM के तरफ लड़ती हैं तो इनको दो ही वोट मिल सकता है, MY समीकरण का मुस्लिम और यादव का वोट मिलेगा। तो ऐसे में हेना साहब चाहती हैं कि हम अन्य वोटर को भी अपने पाले में करें, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हेना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां पे चुनाव लड़ सकती हैं। अब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से चर्चाएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और हेना साहब चाहती हैं कि हम वहां पर जो भी अगर मुस्लिम समुदाय के हों या फिर यादव समुदाय के हों, स्वर्ण बाहुल एक क्षेत्र है तो सभी के वोटर्स को हम लें और हेना साहब के प्रति चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं या फिर ब्राह्मण हैं, या फिर अगर बातचीत की जाए कई जातियां जो हेना साहब के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर, शाहबुद्दीन साहब के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो शायद ये वोट हेना साहब के पक्ष में इस बार जाता हुआ दिख रहा है। तो ये थी 8 महिला उम्मीदवार जो इस बार बिहार के राजनीति में बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती हैं। कुछ नाम अगर छूटे होंगे तो वो अगले कड़ी में हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।